सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। शोल्डर 7 इंचेस, आर्म होल भी 7 इंचेस गुलाई दे देंगे। इसके बाद बस्ट 8.5 इंचेस, वेस्ट 7.5 इंचेस, शोल्डर 0.5 इंचेस डाउन कट कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल की मज़ीद कटिंग करेंगे। इसके बाद ये हमने नेक पहले से तैयार कर रखे हैं, फ्रंट नेक ये दुपट्टे के कपड़े से हमने लिया है, उसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। बस हमने पहले से कट करके रखे हैं, इसकी चूड़ीदार स्ट्रिप्स लगाएंगे जो कि ये भी दुपट्टे के कपड़े से ही हमने लिए हैं। ये है गैदरिंग के लिए कपड़ा, जिसकी लंबाई है ऑलमोस्ट 30 इंचेस और चौड़ाई 24 इंचेस है। ये फ्रंट वाला है, इसको हमने हाफ ऑफ किया हुआ है, फ्रंट ओपन वाला बनाना है ना इसका। इसकी हम पाइपिंग करेंगे। ओवरऑल गैदरिंग इसकी इस तरह से होगी। ये हमने बैक के लिए पहले से तैयार कर रखा है। इसके नीचे भी हम पाइपिंग करेंगे। नेक की कटिंग कर लेंगे। फोल्ड कर लेंगे इसको, इस तरह से पलट देंगे बैक नेक को भी। उसके बाद शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच हो गए। उसके बाद हम स्लीव भी हमने देख लें तैयार कर लिए हैं पाइपिंग करके, स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव अटैच हो गई। उसके बाद जो हमने ये गैदरिंग बनाई थी, इसका ये बैक पार्ट है, ये हमने हाफ हाफ जो किए थे फ्रंट वाले, उसको अटैच करेंगे। दोनों साइड की साइड पर जो पाइपिंग होगी उसको आमने सामने रखेंगे, दरमियान में ये देख लें। इसको हम ऑलमोस्ट 16 इंचेस तक बंद करेंगे, दोनों साइड से निशान लगा लेंगे। इसके लिए पट्टी हमने पहले से तैयार की हुई है। ये देख लें, इसके लिए और हमने टसल्स लिए हुए हैं जो कि जहाँ तक बंद है वहीं तक लगेंगे। आगे जाके इसकी फाइनल लुक बहुत ही प्यारी होने वाली है। आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में है ऐसे फ्रॉक। फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फाइनल लुक बहुत ही प्यारा बन गया है, ऐसा लग रहा है जैसे रेडीमेड हो। इसका
इसका ट्राउज़र हमने पहले से तैयार कर रखा था। इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल में दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और इसका दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत है जिसको हमने पाइपिंग की है, जैसे इसको फ्रॉक है ना उस कलर में, ये देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।